हम लोग लाइट चैप्टर में लेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, इसके बारे में डिटेल स्टडी जो है आपको करा दिया था। इस बार जो है इस टॉपिक में हमने जो है देखिए बोर्ड पर 3 जो है न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे। देखिए इसको न्यूमेरिकल लगाने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लेंस फार्मूला, जो लेंस फार्मूला होता है एक्चुअल में, जो लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। देखिए मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में यही डिफरेंस है कि मिरर फार्मूला में यहाँ पॉजिटिव होता है बट लेंस फार्मूला में यहाँ निगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए ये लेंस फार्मूला है। अच्छा इसका जो देखिए इसको प्रूफ करना आपको इंटरमीडिएट में बताया जाएगा, इसको प्रूफ करना आपको इंटरमीडिएट में सिखाया जाएगा। चलिए तो ये है लेंस फार्मूला। और देखिए इसके पहले हमने मैग्निफिकेशन जो लेंस में m = v/u ये फार्मूला आपको बता दिया है, m = v/u ये फार्मूला आपको बता दिया है। इसी पर ये सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जो है पढ़ के सुना रहा हूं। देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, तो गिवन में ध्यान दीजिए, तो गिवन में क्या दिया, h = 5 cm। चलिए आगे बढ़े, इज हेल्ड 25 cm अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए आपको जानना पड़ेगा, मैं बता चुका हूं कन्वर्जिंग लेंस जो होता है कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो चलिए ये कन्वर्जिंग लेंस कह दिया तो इसका मतलब ये किसका है, ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स लेंस का है, कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, तो यू की वैल्यू जो दिया है गिवन है दैट इज -25 cm। देखिए 25 cm अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm, इसका मतलब f = 10 cm। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कैसा होता है पॉजिटिव, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो 3 आइटम पूछा है, एक तो भी की वैल्यू पूछा है और उसके बाद साइज या चाई की वैल्यू पूछा है, ध्यान दीजिए, और नेचर पूछा है, क्या पूछा है नेचर। ठीक है तो नेचर तो जब हमारा भी जो है फाइंड आउट होगा तो उस समय नेचर भी निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है लेंस फार्मूला का यूज करेंगे। लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। चलिए ठीक है, 1/ ये जो है f की वैल्यू 10 दिया है = 1/v - 1/, देखिए -25, वेरी इजी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो है v की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए ये माइनस, एक चीज और बता दूं, इसके पहले भी मैंने बताया था जो नोन वैल्यू होते हैं उसका साइन रखना होता है और जो अननोन वैल्यू होता है उसका साइन नहीं रखा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जब ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर मैं इसको जो है 1/v = देखिए 1/10 तो एज इट इज है 1/10, और ये जब इधर आएगा तो
तो माइनस जो है 1/25. अब जो है इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम. इसका क्या लेंगे, एलसीएम. तो 1/v इक्वल टू एलसीएम होगा 50. चलिए तो 10 5 जा यहां पर आ जाएगा 5 माइनस यहां पर आ जाएगा 2. ध्यान दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3/50. तो देखिए इसको हम यहीं पे 1/v इक्वल टू 3/50. तो देखिए v इक्वल टू जो है आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3v इक्वल टू 50, देन v इक्वल टू, ध्यान दीजिए v इक्वल टू 50 बाई 3. तो 50 बाई 3 नियर अबाउट आपका 16.67 सेंटीमीटर. चलिए ये देखिए v का वैल्यू पॉजिटिव आया. v का वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस, v पॉजिटिव इट मींस रियल इमेज. कैसा इमेज, रियल इमेज. देखिए भाई बार बार मैं कहूंगा कि रियल इमेज हुआ. अच्छा एक चीज और बता दे, भी की वैल्यू 16.67 है. अच्छा जरा ये हमारा सोचिए कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. देखिए ये f है और ये आपका 2f होता है. चलिए कोई बात नहीं, इधर भी ये f है और यहां पर आपका 2f होता है. चलिए कोई बात नहीं. देखिए u का वैल्यू कितना दिया था, 25. अब फोकल लेंथ कितना दिया था, 10. तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो O है, ये 10 है, ये भी 10 होगा 20. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2F और इनफाइनाइट के जो है बीच रखा गया. अगर आप देखना चाहें तो देखिए जो आप भी की वैल्यू क्या आ गई, 16.67. अच्छा जब ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और 2F के बीच में होता है तो इमेज F और 2F के बीच बनता है, F और 2F. और ऐसे भी देख लीजिए V की वैल्यू कितनी, F की वैल्यू 10 है, देखिए 10 है हमारा V जो आया है 16, इसका मतलब यहां पर कहीं बनेगा, देखिए इमेज यहां पर आ. तो कुल मिला जुला करके आपका यहां पर लिख देंगे इमेज कहां बनेगा, बिटवीन F एंड 2F. ये हो गया. अब हम देखिए आपको मैंने बताया, नेचर भी बता दिया, रियल इमेज कहां बनेगा वो भी बता दिया. अब आपको साइज ऑफ इमेज निकालना पड़ेगा. तो कोई बात नहीं, साइज ऑफ इमेज के लिए थोड़ा जगह खाली कर लिया जाए और उसके बाद साइज ऑफ इमेज निकाल दिया जाए. चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो है मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो होता है, ध्यान दीजिए HI/HO इक्वल टू V/U. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बात समझिए. यहां पर ध्यान दीजिए HI की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, HO की वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर. देख लीजिए HO की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू V हमारा कैलकुलेट होके आ चुका है 16.67/U की वैल्यू, -25. अब इसको आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए. देखिए ये जो है 5 से यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको जो है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बात को समझिए. एक्चुअल में ये जो सॉल्व जब करेंगे तो आपका HI इक्वल टू 16.67/5. देखिए HI इक्वल टू जो है 16. अब इसको आप क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, तो इसका मतलब 3 point something आपका आंसर हो जाएगा. 3 point something जो है इसका आंसर आ जाएगा. मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा, इसको देख लीजिए हमने क्या किया, फिर से बात देख लीजिए. HI/HO, V/U, HI की वैल्यू
निकाल ली है, एचओ की वैल्यू 5 दिया है, 5 रख दिया, वी की वैल्यू हम लोगों का 16.67 आया था और यू का वैल्यू -25, ये जो है आप चाहे तो जो है इससे इसको हमने कैंसिल कर दिया, नीचे नीचे का कैंसिल कर दिया, तो आपका आ गया 5 5 जा, तो आप 5 से 16.67 को कैंसिल कर देंगे तो आंसर एच की वैल्यू जो है आपका 3 point something आ जाएगा। देखिए, और आपको पता भी है कि जो है इनफाइनाइट और 2F के बीच जो है ऑब्जेक्ट जो है 5 centimeter था, तो इमेज जो है निश्चित रूप से उससे छोटा ही होगा, तो आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। बट एक मिनट, ये माइनस में आ रहा है, देखिए यहाँ माइनस छोड़िएगा नहीं, देखिए ये माइनस है, तो इसका मतलब मैं इसको साफ सुथरा यहाँ लिख दूं, इक्वल टू -3 point... इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 5 3 जा 15 और 1 हुआ, तो 5 3 जा ये नियर अबाउट 3.3। चलिए कोई बात नहीं, ये जो है माइनस, मैं बार बार कहूंगा ये कितना हुआ माइनस में। अच्छा, माइनस शो करता है कि जो इमेज होगा इन्वर्टेड होगा, इमेज होगा वो देखिए इन्वर्टेड होगा, ये चाहिए कि वैल्यू आई है ना भाई, तो इमेज कैसा होगा इन्वर्टेड होगा, और ठीक आया, आंसर भी ठीक आया। तो अब हम लोग जो है इसके बाद सेकंड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, बहुत इजी प्रॉब्लम है सेकंड। देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या बोलता है, एक्चुअल में सेकंड प्रॉब्लम ये बोलता है कि एक कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter। देखिए गिवन जो है, आप देखिए गिवन क्या है, एफ इक्वल टू 15 centimeter, और लेंस कौन सा है, कॉनकेव है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमको पता है, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कॉनकेव लेंस का एफ माइनस होता है, रट लीजिए जीवन भर। चलिए 15 centimeter फार वन इमेज 10 centimeter फ्रॉम द लेंस, इसका मतलब भी की वैल्यू जो है क्या दे दिया 10 centimeter, कितना दे दिया 10 centimeter, तो ये देखिए ये भी माइनस होगा, कॉनकेव है भाई, ये क्या है कॉनकेव है, तो पूछ क्या रहा है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, यू की वैल्यू पूछा, तो वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी प्रॉब्लम बोर्ड में आते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो अब आप जो है कि कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला, तो 1/f = 1/v - 1/u, तो ये हो जाएगा 1/-15 = 1/v की वैल्यू -10 है, -10 - 1/u, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। अब जो है देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इधर ले आवे तो क्या होगा, -1/u, देखिए ये तो माइनस में है, तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा, तो ये होगा 1/10, ये माइनस में है, -1/15, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, ये मैं इसको बस इधर ला दिया है, बस -1/u एज इट इज है, इसको जब इधर लाए हैं तो प्लस बन गया है, तो बस प्लस बना दिया, ये एज इट इज है अपने जगह पर, चलिए कोई बात नहीं। तो -1/u = एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका हो जाएगा 30, एलसीएम कितना होगा 30। अब जो है हम लोग ये 10 3 जा माइनस ये 15 2 जा, बात समझिए, दिस इज इक्वल टू 1/30। अब देखिए ये क्या हुआ, -1/u = 1/30, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -30 centimeter, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी सवाल था। अब आप कहेंगे बहुत इतना इजी, भाई इजी भी तो आपको जानना है,
क्रिटिकल के साथ साथ ईजी भी जानना है। मैं अभी और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम लोग ये इसमें रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, जो जो इन्होंने आंसर पूछा था वो हम लोग क्या कर लिए, निकाल दिए। चलिए थर्ड प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान दीजिए ये क्या बोलता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, फोकल कॉन्वेक्स लेंस है, F इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है तो F पॉजिटिव होता है, F क्या होता है पॉजिटिव होता है। फॉर्म इमेज एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन ट्वाइस दिया है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जो आप समझिए, फिर से देखिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज जो है ट्वाइस, अगर इमेज 2x है तो ऑब्जेक्ट x कैंसिल, इसका मतलब 2, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। चलिए तो यहां पर m इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए, 2x अपॉन x इक्वल टू, सपोज करिए 2, m का वैल्यू क्या दिया है 2। चलिए आगे बढ़िए, साइज फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज प्लेस्ड। भाई देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में जो है, देखिए जो इमेज बनता है वो वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है, दोनों बनता है, इसलिए आपको दोनों केस जो है इसमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग मानिए कि केस फर्स्ट वर्चुअल, जब इमेज वर्चुअल बने, देखिए तो केस फर्स्ट हमने क्या माना, वर्चुअल इमेज के लिए, फॉर वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज जो है, ध्यान दीजिए, वर्चुअल जो है इमेज है, अगर सपोज करिए, तो हम लोग क्या करें इसके लिए, जो है यम का फॉर्मूला लिखें, यम का फॉर्मूला लिखें। तो यम इक्वल टू, जरा देखिए, हमने आपको बताया था लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वी अपॉन यू होता है, वी अपॉन यू होता है। ध्यान दीजिए, मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी अपॉन यू होता है, यहां पर वी अपॉन यू, ठीक है। अच्छा वर्चुअल इमेज है तो यम की वैल्यू बताया था मैं पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि देखिए यम की वैल्यू पॉजिटिव क्यों ली जाएगी, वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट और इमेज भी इरेक्ट, देखिए दोनों इरेक्ट, काला पोर्शन को देखिए दोनों, इसलिए जो है हम लोग क्या करेंगे यहां पर यम की वैल्यू 2, तो 2 इक्वल टू वी अपॉन यू, तो हम लोग क्या लिख देंगे वी इक्वल टू टू यू। U का ही जो है, देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, U की वैल्यू पूछा है, U को कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग जो है लेंस फार्मूला लगा दे, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। घबराने की जरूरत नहीं है, F का वैल्यू 30 दिया है तो 1 अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए 2U क्या आ गया है 2U। ध्यान दीजिए ये जो वैल्यू आई है 2U, देख लीजिए 2U और माइनस 1 अपॉन U। एलसीएम ले लीजिए, यहां पर 1 अपॉन 30 इक्वल टू, यहां पर एलसीएम जो है 2U हो गया, एलसीएम क्या हो गया 2U, तो यहां पर आ जाएगा 1, देख लीजिए 2U से 2U कैंसिल, तो 1, यहां U से U कैंसिल, तो यहां पर -2। तो यहां इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 1 अपॉन 30 इक्वल टू -1 अपॉन 2U, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 माइनस 2 है तो -1 हो जाएगा, तो -1 अपॉन 2U, अब जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या होगा 2U इक्वल टू -30, तो U इक्वल टू -15, 30/2 हो जाएगा,
तो यू का वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15, बस आंसर हो गया। यू का वैल्यू माइनस में आना भी चाहिए, यू का वैल्यू माइनस में आना भी चाहिए। और एक बात और बता दें, एफ से कम आना चाहिए तभी ना वर्चुअल इमेज बनेगा। एफ क्या है 13, यू क्या है 15। तो देखिए ओ और एफ के बीच में है, ये ऑब्जेक्ट जो है ओ और एफ के बीच में है, इसका मतलब यह हुआ आपका प्रॉब्लम एकदम करेक्ट है, आपने सही प्रॉब्लम किया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, केस सेकंड, देखिए केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड के लिए जो है यहां पर रियल इमेज, यहां पर क्या चेंज किया जाएगा, ध्यान दीजिए, रियल इमेज। जब रियल इमेज बनेगा तो अब देखिए, रियल इमेज के लिए यम की वैल्यू जो है, देखिए फार्मूला तो यही होगा यम इक्वल टू वी अपान यू, लेकिन यहां पर रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होता है, यम की वैल्यू माइनस होती है, कई बार बता चुका मैं, रियल इमेज के लिए यम की वैल्यू माइनस होती है। क्यों, यम क्या होता है, ये चाहिए पानी अच्छो, ये चाहिए पानी अच्छो। ये देखिए एक एक ऑब्जेक्ट इधर ऐसे होगा तो इमेज इन्वर्टेड होगा, देखिए तो एक पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये देख काला पोर्शन को देखिए, ब्लैक पोर्शन को देखिए, तो माइनस तो होना ही है, माइनस तो होना ही है। तो ये जो है आपका जो है ये क्या हुआ, माइनस टू इक्वल टू वी अपान यू। और यहां पर जो पिछले प्रॉब्लम में हम लोग टू यू लिए थे, तो यहां पर माइनस टू यू हो जाएगा, बस। अब देखिए, अब ये जो है लेंस फार्मूला बना हुआ है, तो यहां माइनस टू यू हो जाएगा, बस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर बस माइनस टू यू, तो यहां माइनस वन हो जाएगा, यहां माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन माइनस टू यहां पर जो है माइनस थ्री हो जाएगा, जो यहां पर सबस्ट्रैक्ट हुआ था, यहां पर दोनों जो है क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, बट माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस थ्री देखिए हो गया। तो इट मीन्स देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो ये 33 जा 90 हो जाएगा, माइनस 90 माइनस 90, तो u की वैल्यू जो होगी 2u इक्वल टू माइनस 90, तो u इक्वल टू माइनस 45, बस माइनस 45। देखिए u की वैल्यू f से अधिक आनी चाहिए, तो f से अधिक आया, f से अधिक आया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है। तो देखिए आपको कोई किस्म का दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करिए, आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे। कंसेप्ट को क्लियर करें प्लीज, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटिए मत प्लीज। तो इस तरह से ये जो थ्री प्रॉब्लम हमने बोर्ड पर लिखा था वो समाप्त हो गया। अगला जो पार्ट है इस उसमें भी मैं न्यूमेरिकल जो है लेंस का लगाएंगे, और उसको भी बहुत इंटरेस्टेड जो है न्यूमेरिकल लिया जाएगा। धन्यवाद।